नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल डेली रोजगार पर। दोस्तों तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम एक और काफ़ी शानदार भर्ती की अपडेट लेकर आए हुए हैं, जिसका नाम है राष्ट्रीय बीज निगम भर्ती 2024। जी हां दोस्तों, आप सभी के लिए काफ़ी बड़ी गुड न्यूज़ है, क्योंकि दोस्तों हाल ही में राष्ट्रीय बीज निगम यानी कि नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा विभिन्न पदों पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन को जारी कर दिया गया है, जो कि दोस्तों यह भर्ती आप सभी के लिए पूर्ण रूप से ही परमानेंट गवर्नमेंट जॉब मिलने वाली है, जिसके अंतर्गत आप सभी की एजुकेशन क्वालिफिकेशन मात्र 12वीं पास ही मांगी गई है। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आपने कृषि से संबंधित किसी भी विषय में कोई भी डिग्री या फिर डिप्लोमा या फिर आप सभी ITI पास हैं, तो भी आप सभी इस भर्ती हेतु सफलतापूर्वक ही अप्लाई कर सकते हैं, जिसके अंतर्गत चयनित होने के पश्चात आपके लिए वेतन भी काफ़ी अच्छा खासा मिलने वाला है। और साथ ही साथ दोस्तों, ऑल इंडिया की वैकेंसी है, आप चाहे भारत के किसी भी राज्य या फिर किसी भी जिले से निवास करते हो, प्रत्येक मेल एवं फील यानी कि सभी लड़के और लड़कियां ही इस वैकेंसी हेतु सफलतापूर्वक ही अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों तो यदि आप भी इस वैकेंसी हेतु इच्छुक हैं और अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप हमारी वीडियो पर बिना स्किप करे अंतिम तक बने रहिएगा। तो आइए दोस्तों, चलिए जल्दी से बिना समय गवाए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों तो सर्वप्रथम अब आप सभी राष्ट्रीय बीज निगम भर्ती 2024 के अंतर्गत जारी किए गए इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन को अपनी स्क्रीन पर देख सकते होंगे। जी हाँ दोस्तों, आपके लिए बता दें, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने के लिए मिल जाएगी। वहाँ जाकर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और एक एक करके संपूर्ण जानकारियों को पूरा पढ़ सकते हैं। तो आइए दोस्तों, अब हम इस भर्ती से संबंधित संपूर्ण जानकारी को ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से प्राप्त करते हैं। दोस्तों तो यदि अब हम सबसे पहले राष्ट्रीय बीज निगम भर्ती 2024 के ऑर्गेनाइजेशन नेम यानी कि विभाग की बात करें कि कौन से विभाग की तरफ से इस भर्ती के ऑफिशियल नोटिफिकेशन को जारी किया गया है, तो दोस्तों आप सभी के लिए बता दिया है, भर्ती मुख्य रूप से राष्ट्रीय बीज कंपनी यानी कि नेशनल सीड कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा जारी की गई है, जो कि दोस्तों आप सभी के लिए पूर्ण रूप से ही परमानेंट गवर्नमेंट जॉब देखने के लिए मिलने वाली है। यानी कि दोस्तों, यदि आप सभी इस भर्ती हेतु अप्लाई करते हैं, तो आप सभी के लिए पूर्ण रूप से ही परमानेंट नियुक्ति दी जाएगी। दोस्तों आप सभी के लिए बता दें, इस भर्ती के तहत आपके लिए मैनेजर, एग्रीकल्चरल अकाउंटेंट और टेक्नीशियन जैसे काफ़ी सारे पद देखने के लिए मिल जाएंगे। दोस्तों ऑल इंडिया की वैकेंसी है, आप चाहे भारत के किसी भी राज्य या फिर किसी भी जिले से निवास करते हो, प्रत्येक मेल एवं फील बोथ उम्मीदवार इस वैकेंसी हेतु सफलतापूर्वक ही अप्लाई कर सकते हैं, जिसके अंतर्गत आप सभी की एजुकेशन क्वालिफिकेशन मात्र 12वीं पास, ITI या फिर ग्रेजुएट पास मांगी है, क्योंकि दोस्तों इस भर्ती के तहत आपके लिए वेतन भी काफ़ी अच्छा खासा मिलने वाला है और अप्लाई करने की प्रोसेस को भी पूर्ण रूप से ही ऑनलाइन माध्यम के जरिए निर्धारित किया गया है। यानी कि दोस्तों आप सभी घर बैठे अपने मोबाइल के माध्यम से ही इस वैकेंसी हेतु सफलतापूर्वक ही अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों तो यदि अब हम इसके पश्चात इस भर्ती की वैकेंसी डिटेल यानी कि पदों की संख्या की बात करें, तो आप सभी के लिए बता दें, राष्ट्रीय बीज निगम भर्ती 2024 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन कुल मिलाकर 188 पदों पर रिलीज किया गया है, जिसके अंतर्गत आप सभी के लिए विभिन्न पद देखने के लिए मिल जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आप सभी के लिए बता दें, इस भर्ती के तहत आपके लिए डिप्टी जनरल मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर और मैनेजमेंट ट्रेनी जैसी विभिन्न पद देखने के लिए मिलने वाले हैं, जो कि दोस्तों आपके बड़े पद रहने वाले हैं। इनमें यदि आपके पास एक्सपीरियंस है, तभी आप सभी अप्लाई कर सकेंगे। लेकिन दोस्तों कुछ पद आप सभी के लिए इसमें ऐसे मिलने वाले हैं, जिस पर आप सभी ग्रेजुएशन पास और मात्र 12वीं पास हैं, तो अभी आप सभी इस वैकेंसी हेतु सफलतापूर्वक ही अप्लाई कर सकते हैं, जो कि आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं, ट्रेनी टेक्नीशियन, ट्रेनी इंजीनियर स्टोर्स, एग्रीकल्चर स्टोर्स, अकाउंटेंट, स्टेनोग्राफर, HR, मार्केटिंग, क्वालिटी कंट्रोल, एग्रीकल्चर जैसे आपके लिए विभिन्न पद देखने के लिए मिल जाएंगे। सबसे ज़्यादा पद इसमें आप सभी के लिए ट्रेनी एग्रीकल्चर के देखने के लिए मिलने वाले हैं, जिसकी संख्या आपकी 49 रहने वाली है। दोस्तों आप सभी के लिए बता दें, इसमें आपको ट्रेनी शब्द देखकर घबराना नहीं है, यह आपकी परमानेंट जॉब ही रहने वाली है। लेकिन दोस्तों इस जॉब में चयनित होने के पश्चात आप सभी के लिए पहले 1 साल या फिर 6 महीने की ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई जाती है, इसलिए इसमें आप सभी के लिए ट्रेनी शब्द लिखा देखने के लिए मिल रहा है, लेकिन आप सभी के पूर्ण रूप से ही परमानेंट गवर्नमेंट जॉब रहने वाली है। अब दोस्तों तो यदि हम इसके पश्चात एजुकेशन क्वालिफिकेशन यानी कि शैक्षणिक योग्यताओं की बात करें, तो आप सभी के लिए बता दें, राष्ट्रीय बीज कंपनी में नौकरी पाने के लिए उम्मीदवारों के पास किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 12वीं या फिर ITI या फिर डिप्लोमा या फिर BCom या फिर ग्रेजुएट, BE, BTech, BSc एग्रीकल्चर, MBA, PG डिग्री, डिप्लोमा, पर्सनल मैनेजमेंट, LLB लेवल वेलफेयर,
MSc आदि की डिग्री यदि आपने की हुई है तो आप सभी इन पदों के लिए सफलतापूर्वक ही अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों आप सभी के लिए बताते हैं, यह सभी योग्यता आपकी पद के हिसाब से अलग अलग रहने वाली है, जिसकी संपूर्ण जानकारी को आप सभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों तो यदि अब हम इसके अलावा एज लिमिट यानी कि आयु सीमा की बात करें तो आपके लिए बता दें, इस भर्ती के तहत आपकी आयु प्रत्येक पदों के हिसाब से अलग अलग निर्धारित की गई है। लेकिन दोस्तों यदि आप सभी ट्रेनी, सीनियर ट्रेनी और मैनेजमेंट ट्रेनी के लिए अप्लाई करते हैं तो इसके लिए आपकी आयु सीमा 27 वर्ष निर्धारित की गई है। वहीं यदि आप सभी असिस्टेंट मैनेजर के लिए अप्लाई करते हैं तो आपकी आयु सीमा 30 वर्ष और डिप्टी जनरल मैनेजर के लिए आपकी आयु सीमा 50 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो इस प्रकार से आप सभी अलग अलग पदों के हिसाब से अलग अलग आयु सीमा की जानकारी को देख सकते हैं, जो कि आपके लिए बता दें इस आयु सीमा में आप सभी के लिए सरकारी नियमों के अनुसार छूट भी देखने के लिए मिलने वाली है। अब दोस्तों तो यदि हम सिलेक्शन प्रोसेस यानी कि चयन प्रक्रिया की बात करें तो आपके लिए बता दें, इस भर्ती के तहत आपका चयन 3 चरणों के माध्यम से होने वाला है। सबसे पहले आप सभी का CBT टेस्ट यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, उसके पश्चात आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और फिर पर्सनल इंटरव्यू के माध्यम से आप सभी के लिए सेलेक्ट कर लिया जाएगा। दोस्तों तो यदि अब हम सैलरी डिटेल यानी कि वेतन विवरण की बात करें तो आपके लिए बता दें, इस भर्ती के तहत आप सभी के लिए वेतन काफ़ी अच्छा खासा मिलने वाला है, जो कि दोस्तों यह भर्ती आप सभी की सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब रहने वाली है तो आपके लिए वेतन तो काफ़ी अच्छा खासा मिलने वाला ही है। आप सभी यहां पर देख सकते होंगे पदों के हिसाब से आपका अलग अलग वेतन रहने वाला है, जो कि आप सभी के लिए पर मंथ 26,616 से लेकर 2,00,000 तक का पर मंथ वेतन प्रोवाइड कराया जाएगा। वहीं दोस्तों इस भर्ती के तहत आपके लिए एप्लीकेशन फ़ीस भी लगने वाली है। यदि आप सभी अनरिजर्व या फिर PWS या फिर OBC या फिर एक्स सर्विसमैन हैं तो आप सभी ₹500 आवेदन शुल्क का भुगतान करके इस वैकेंसी हेतु सफलतापूर्वक ही अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों वहीं यदि आप सभी SC ST या फिर PWD कैटेगरी से आते हैं तो आप सभी बिल्कुल फ्री में ही इस वैकेंसी हेतु अप्लाई कर सकते हैं, आपके लिए कोई भी आवेदन शुल्क लगने वाला नहीं है। अब दोस्तों तो यदि हम इम्पोर्टेंट डेट यानी कि महत्वपूर्ण तिथियों की बात करें तो आपके लिए बता दें, 26 अक्टूबर 2024 से इसकी आवेदन प्रक्रिया का प्रारंभ किया जा चुका है और आप सभी 30 नवंबर 2024 तक इस भर्ती हेतु सफलतापूर्वक ही अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों अब हम जानते हैं कि इस भर्ती हेतु आप सभी के लिए अप्लाई कैसे करना है। दोस्तों तो यदि आप भी राष्ट्रीय बीज निगम भर्ती 2024 हेतु इच्छुक हैं और अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके लिए बता दें, इस भर्ती की आवेदन प्रक्रिया को पूर्ण रूप से ही ऑनलाइन माध्यम के जरिए निर्धारित किया गया है। क्योंकि दोस्तों अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको गूगल क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना है और यहाँ आने के पश्चात आप सभी के लिए इस प्रकार से NSCL को सर्च करना है। अब दोस्तों जैसे ही आप सभी इसको सर्च करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार से नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन लिमिटेड की ऑफिशियल वेबसाइट सामने खुलकर आ जाएगी, जहां पर सिंपली आप सभी के लिए यहां पर शो हो रहे इस करंट वैकेंसी वाले विकल्प पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों जैसे ही आप सभी इस विकल्प पर क्लिक करेंगे तो कुछ ही देर के पश्चात आप सभी के सामने इस प्रकार का राष्ट्रीय बीज निगम का ऑफिशियल वेबसाइट का होम पेज खुलकर आ जाएगा, जहाँ पर सिंपली आप सभी के लिए थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है। तो आप सभी यहाँ पर देख ही सकते होंगे इस भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आप सभी के लिए यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा, तो आप सभी इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप सभी इस वैकेंसी हेतु अप्लाई करना चाहते हैं तो सिंपली आप सभी इस अप्लाई ऑनलाइन वाले विकल्प पर क्लिक करके इस भर्ती हेतु सफलतापूर्वक ही अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों तो अब इसी के साथ हम इस वीडियो का समापन करते हैं। यदि आपके लिए इस भर्ती से संबंधित और कोई डाउट है और कोई प्रश्न है तो आप हमको नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, हम आपके सभी डाउट को सॉल्व करने का प्रयास जरूर करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों यदि आपके लिए वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर प्रेस कर दें ताकि आपको ऐसे ही न्यू और लेटेस्ट वैकेंसियों की जानकारी सबसे पहले प्राप्त हो सके।